Hello, my dear kids and parents. Welcome to my channel, My Pathshala. Olympiad exam preparation से संबंधित मैं practice set and chapter explain कर रही हूँ. इसे आप हमारे channel पर जाकर देख. आज का हमारा topics है practice set 5 math Olympiad class 1. इससे पहले भी हमने 4 practice set बनाकर डाले हैं. इसे आप एक बार जाकर अवश्य देखें. साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि मैंने कंप्यूटर चैप्टर से भी ओलंपियाड की तैयारी कैसे करें चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किए हैं और उसकी प्रैक्टिस सेट डाले हैं. आप उसे जाकर देख सकते हैं. और साथ ही ओलंपियाड एग्जाम में मेंटल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछे जाते हैं, वो भी सेट मैं डाल रही हूँ, उसे भी आप देखिएगा. तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, इसमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और सामने उसके नंबर्स लिखे गए हैं जिसे हमें काउंट कर देखना है कि कौन सा मैच इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए में हम देखते हैं चित्र जो है ये ट्वाइस 2, 4, 6, 8 and 10. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऑप्शन सी में एफएल टावर 6 है जबकि यहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी 6 एफएल टावर, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, इफ वन एड ए नंबर टू 20, आई विल गेट 20, व्हाट नंबर आई एम एडिंग. यदि हम किसी नंबर में 20 को प्लस करते हैं तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होगा. इफ आई एड ए नंबर टू 20, यदि हमें 20 नंबर में ऐड करना है और हमें प्राप्त भी वो नंबर 20 ही हो ऐड करने के बाद भी, तो वह नंबर कौन सा होगा, कौन से नंबर को हम ऐड करेंगे 20 में कि हमें 20 ही प्राप्त होगा. करेक्ट आंसर इज 0, ऑप्शन बी. 20 में 0 को हम प्लस करेंगे तो हमें 20 ही प्राप्त होगा. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए 73 - 21 = 42, ऑप्शन बी इजकल टू 40 - 40 = 0, ऑप्शन डी 84 - 22 = 62 एंड ऑप्शन डी इजकल टू 28 - 12 = 16. तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हमारा हो रहा है जिसमें 73 - 21 को हम माइनस करेंगे तो ऑप्शन आएगा हमारा 52, जबकि यहाँ पर ऑप्शन जो है 42 दिया गया है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट. इनमें से सबसे भारी कौन सा है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मैंगो. मैंगो इनमें से सबसे हैवी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच डे ऑफ द वीक इज ऑलवेज अ होली डे. ऑप्शन ट्यूजडे, संडे, फ्राइडे एंड थर्सडे. संडे ऑफ द वीक इज ऑलवेज अ होली डे. संडे को हमेशा वीक में छुट्टी रहती है. करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 6, अमाउंट सो हेयर इज. यहाँ पर अमाउंट दिया गया है जिसे प्लस करके हमें पता करना है क्या हो रहा है, टोटल नंबर्स ऑफ कितने हैं. तो 20 + 10 + 2 = 20 + 10 = 30 और 30 + 2 = 32. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्ट्स आर आउटसाइड द बॉक्स. ये बॉक्स है, इसके बाहर कौन सा ऑब्जेक्ट है हमें यह देखना है. तो ऑब्जेक्ट के बाहर हम यहाँ देख पा रहे हैं ये काउ एंड माउस, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बाहर है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सो अ करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर. इसमें से हमें यह देखना है कि करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन से नंबर्स हैं, कौन से ऑप्शन हैं.
डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों उसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लो नंबर्स को बड़े नंबर्स से छोटे नंबर की तरफ बढ़ना, या फिर आप सीढ़ी पर ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे हो तो वह हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, जैसे 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 15 13 12 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9, वन टेडी बियर कॉस्ट ऑफ ₹40, हाउ मेनी सच टेडी बियर कैन सोनिका बाय फॉर ₹100। अगर वन टेडी का कॉस्ट ₹40 है और सोनिका को के पास ₹100 है तो वह कितना टेडी खरीद पाएगी। आंसर इज करेक्ट ऑप्शन ए 2। चलिए इसको हम समझेंगे। कॉस्ट ऑफ वन टेडी वेयर इज ₹40, सो कॉस्ट ऑफ टू टेडी वेयर इज इक्वल टू 40 + 40 इज इक्वल टू ₹30। कॉस्ट ऑफ थ्री टेडी वेयर ₹40 + ₹40 + ₹40 इज इक्वल टू 120। बट सोनिका के पास कितनी रुपीज़ है, 100 रुपीज़, सो सोनिका कैन बाय टू टेडी वेयर्स फॉर ₹100। क्वेश्चन नंबर 10, विच फिगर इज इन द सेंटर, इसमें से सेंटर पे कौन सा फिगर दिया गया है। सेंटर अर्थात बीच में, बीच में ये हमारा फ्लावर्स है रोज, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने मैथ सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसे मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप उसे एक बार जाकर अवश्य देखें। साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी डाले हैं, उसे भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।